नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं मुंबई SSO हॉस्पिटल में स्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या शराब पीने से ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। तो हमारे पास जितना भी रिसर्च है, जो भी डेटा है, वो यही कहता है कि जी हाँ, शराब पीने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो अगर कोई महिला दिन में एक ड्रिंक लेते हैं और वो यदि ये एक ड्रिंक डेली लेते हैं तो उनमें 7-10% चांस ब्रेस्ट कैंसर होने का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ लेडी जो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेते। अगर ये मात्रा बढ़ के 2 या 3 ड्रिंक्स पर डे हो जाती है तो इस महिला को जो कि 2 से 3 ड्रिंक प्रतिदिन लेते हैं उनमें कैंसर होने का रिस्क 20% से इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे पास इनफ डेटा है ये कहने के लिए कि अल्कोहल शराब पीने से रिस्क बढ़ता है, तो ना ही ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बल्कि बाकी बहुत अलग अलग तरह के कैंसर शराब पीने से होते हैं। अगर मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कहूँ तो नंबर 1, जो मैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आज बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कहूँगा, अल्कोहल पीने की वजह से बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि लेडीज़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा कारण जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो ये है कि अल्कोहल पीने की वजह से बॉडी में ओबेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। अल्टीमेटली ये फैट डिपोजिशन की वजह से बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है जिसकी वजह से कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो वर्ल्ड ओवर गाइडलाइंस यही कहते हैं कि हमें अल्कोहल बंद करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, बट अगर आप फिर भी पीना चाहते हैं तो वंस इन अ वाइल्ड के हफ्ते में एक बार एक ड्रिंक ले लिया तो दैट शुड बी ओके, इससे ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू अगेन।